मुझे रोगने बिलसान का पूछना है आपसे कि रोगने बिलसान का क्या रेट है, कितने का मिलेगा? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो इस तरह के जो सवालात आते हैं वो मुझे अब आप ये बताइए कि क्या मैं रोगले किसी अत्तार की दुकान तो नहीं है मेरे भाई ये, लेकिन आपने इस लायक समझा मुझे, बल्कि जो इसके फवायद है ना, मैं गुज़िश्ता दिनों सुन रहा था इसके फवायद, और सलजीत, ग़ालिब सलजीत होता है वो जो पहाड़ से एक काला पत्थर सा निकलता है जो कि बिकता भी है हमारे यहाँ, तो मैंने एक हकीम से पूछा, हमारे एक दोस्त हैं हकीम लखनऊ की तरफ इलाके में रहते हैं, और वो उन्होंने मेरे लिए कुछ कमर के दर्द की दवाई भी बनाकर वो भेज रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने रोगने बिलसान का बताया कि आप रोगने बिलसान ले लें, अरब में तो मिल जाता है। अब हम 40-45 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, हमें अभी तक इनका पता ही नहीं चला, अब पता चल रहा है। तो भाई मेरे, रोगने बिलसान असल में मेरे इल्म में नहीं है कि ये कितने की मिलती है और कहाँ से मिलती है। अलबत्ता ये मैंने सुना है मक्का में जो लोग बसते हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों से सुना है कि जब आप हदूद हरम से बाहर निकल जाते हैं और बदर में तो असली रोगन बिलसान आपको मिल जाएगा। रोगन और ये बीमारियों में बहुत मुफीद इसको बताया गया है कि एक तो हम जैसे लोगों के लिए जो कि कमर के दर्द की या आज़ा में जिस्म हड्डियों के जोड़ों के दर्द में मुबतला रहते हैं ना, हम जैसे लोग या ताकत हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह की ताकत हो, चाहे वो जिंसी ताकत हो या जिस्मानी ताकत हो, और वो मर्द और हजरात ख्वातीन, मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि मर्द ही इसको खा सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं। तो कमज़ोरी से बेसिकली इस रोगन को इस्तेमाल किया जाता है, दूध में डालकर पीते हैं। लेकिन मैं गुज़िश्ता दिनों जब एक मक्का मुकर्रमा के हमारे साथी आए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी अगर रोगन बलसान ना भी मिले, रोगन ना मिले, क्योंकि रोगन तो शायद आपको असली मिल ही ना पाए, लेकिन अगर आपको लकड़ी भी मिल जाए तो लकड़ी का छोटा सा हिस्सा तोड़ के उसको दूध में या चाय में डालकर पी लें, वही काफ़ी रहेगा। तो रोगन बलसान अगर आप यहाँ सऊदी अरब में, और मेरे व्यूवर्स में कई हकीम भी हैं जो मुझे देखते हैं, तो हमें मशवरा दीजिए, आप हमें अगर असली रोगन बिलसान ला के दे सकते हैं तो दे दीजिए, ताकि हमारी जो कमज़ोरियां हैं अल्लाह ताला उन्हें ताकत में बदल देगा और हम आपकी अच्छी तरीके से और खिदमत कर सकेंगे, बहुत देर तक मैं बैठ सकूँगा और मेरी कमर, अगर देखिए मैं पहले हफ्ते में 3 मरतबा लाइव आया करता था, लेकिन 3 घंटे या 6 घंटे मुसलसल तीनों दिन बैठना, ये मेरे लिए मेरी कमर के 2 टुकड़े कर गया, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, और अल्लाह गवाह है अगर मेरी कमर इजाज़त दे ना मुझे, तो मैं अपनी बहनों और भाइयों के लाइव आकर सवालों के जवाब दूँ इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए, और अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, तलाक के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, और तो फिर काउंसलिंग सेशन बुक कर लें। रोगन बिलसान का मुझे पता नहीं है कि कितने का मिलता है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون